हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे हाइबिस्कस प्लांट की कटिंग कैसे लगा सकते हैं। ये देखिए, मैं कुछ गुड़हल के प्लांट की कटिंग लेके आया हूँ, आप देख सकते हैं। अब गाइस, जो हमें बात ध्यान रखनी है वो ये है कि जो कटिंग हो वो पेंसिल की जितनी मोटी होनी चाहिए, आप देख सकते हैं। लेकिन आज हम लोग कुछ पतली कटिंग भी लगा के देखेंगे उनका रिजल्ट कैसा रहता है। और फिर उसके बाद हम लोगों को लीव्स रिमूव करनी है। आप सीजर का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप जो बड़ी बड़ी लीव्स हैं उनको हाथ से ही पिंच कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, मैंने कटिंग काट ली है। अब जो कटिंग है वो हम लोग को 45 डिग्री एंगल में काटनी है, क्योंकि 45 डिग्री एंगल में काटने से बहुत ही अच्छी रूट सिस्टम बनता है और रूट निकलने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहती है। देख सकते हैं, मैंने 45 डिग्री एंगल से काटी है। ये देखिए, मैंने कुछ पतली कटिंग भी काटी है। आज पतली भी लगा के देखेंगे हम लोग कैसा रिजल्ट रहता है। सॉइल मिक्स की बात करते हैं, 70% कोकोपीट एंड 30% नॉर्मल गार्डन सॉइल। ये मैंने रेशियो लिया है कटिंग लगाने के लिए, आप देख सकते हैं। इसको हम लोग अच्छी तरह से मिला लेंगे। अच्छी तरीके से मिला लेनी है सॉइल। फिर गाइस, हम लोग एक पॉट लेंगे। पॉट के बेस में मैंने जो पुराने गत्ते होते हैं उनको तोड़ के डाल दिया, आप देख सकते हैं। फिर हम लोग पॉट फिल करेंगे पॉटिंग मिक्स से। अच्छी तरीके से फिल कर लेना है, थोड़ा ऊपर तक फिल कर ले ताकि ये कोकोपीट है तो फिर पानी डालने पे वो बैठ जाएगी। गाइस, आज हम लोग कोई भी रूटिंग हार्मोन का यूज नहीं करने वाले हैं। विदाउट रूटिंग हार्मोन लगाए कटिंग को ग्रो करेंगे। अब जो बात ध्यान रखनी है वो बात ये है कि आपको कटिंग का उल्टा सीधा देख के लगाना है। अगर आपने उल्टी कटिंग लगा दी तो आपकी कटिंग ग्रो नहीं होगी। अब मैं कटिंग लगा रहा हूँ, देख सकते हैं। सबसे पहले उंगली की मदद से या फिर कोई भी लकड़ी की मदद से हम लोग छेद करेंगे सॉइल में और उसमें हम लोग अपनी कटिंग लगा देंगे। इसी प्रकार सारी कटिंग लगा लेंगे। आप एक बार में 6 से 7 कटिंग लगाएं ताकि अगर आपकी कुछ कटिंग फेल भी हो जाए तो आपके पास ऑलरेडी न्यू प्लांट बन जाए बाकी कटिंग से। सेम यही प्रोसेस फॉलो करें आप। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम लोगों को पॉट को थोड़ा सा प्रेस करना है। अब गाइस, हम लोगों ने वाटरिंग करनी है। वाटरिंग फर्स्ट टाइम हम लोगों को अच्छे से कर लेनी है, ड्रेनेज होल से पानी बाहर आने लगे। और अगर गाइस आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।